अकाल एफ एम आई न्यूज़ वालों तुहाडे सारयां दा स्वागत है। असीं कैनेडा विच चैनल वाई देख रहे साडे सारे दर्शकों का स्वागत करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करांगे हेडलाइंस दे नाल। केंद्र सरकार का स्वच्छ भारत टैक्स अज तो होया लागू। सेवा कर दे दायरे च आउंदियां 120 सेवावां ते देना पवेगा वाधू 0.5% टैक्स। पेट्रोल ते डीजल दीआं कीमतां वधियां। अकाली नेतावां दे घेराओ की तैयारी करते सिमरनजीत सिंह मान ते रणजीत सिंह ढड्डियां वालियां नूं पुलिस ने किया नज़रबंद। सिमरनजीत सिंह मान ने पंजाब सरकार ते साधे निशाने, कहा सोमवार करांगे घेराओ। सरबत खालसा च कुछ कु कांग्रेसी लीडरां दी शमूलियत ते नहीं रुक रही सियासी बयानबाजी। कैप्टन ने कहा सरकार वड्डे कट दा कारण पाले, संबंध 10 जनपद या मोती महल नाल ना जोड़े। तुर्की च पीएम मोदी दे बराक ओबामा दे मौजूदगी दौरान होया आत्मघाती हमला। छापेमारी दौरान हमलावर ने खुद नूं बंब नाल उड़ाया, 4 जख्मी। पंजाब वासी ने स्पाइस जेट ने अमृतसर तो दुबई लई सीधी उड़ाना कीतियां चालू। माझे ते दुआबे खेतर नूं होवेगा खास लाभ। मुल्च यानी कि 15 नवंबर तो स्वच्छ भारत सैस 0.5% लागू हो गया, जिस तो बाद 120 सेवावां महंगीयां हो जाणगीयां। इन्हां सेवावां ते सर्विस फीस 14% ते नाल ही 0.5% वाधू वसूल कीता जावेगा। देश भर च 15 नवंबर यानी कि अज तो स्वच्छ भारत अभियान के लिए एक वक्रा टैक्स सेंस लागू कर दिता गया, जिस च होटल मोबाइल जिम का बिल महंगा हो गया। रेलवे ते हवाई सफर की कीमत भी अगे नालों वध गई है। देश दे सेवा कर दे दायरे च आने वाली सारिया सेवावां इस दे दायरे च होणगियां। मोबाइल सर्विस तो लैके रेल अते हवाई सफर तक महंगा हो गया। सरकार वालों लगाया गया स्वच्छ भारत सैस 15 नवंबर तो लागू कर दिता गया, जिस दे तहत टैक्सेबल सर्विस ते हुण वाधू टैक्स लगेगा। रेलवे ने इस संबंधी एक सर्कुलर भी जारी कर दिता है। सर्कुलर के मुताबिक फर्स्ट क्लास अते सारिया एसी क्लासा ते टिकट 4.35% महंगे हो जाएंगे। क्लीन इंडिया का यह सैस 0.5% होएगा। इस सैस च सारिया सर्विसिज लागू होणगियां जिन्हां ते सर्विस टैक्स लगता है, जिस च रेल टिकट, फोन बिल, सिनेमा टिकट, होटल च खाने समेत सारिया सर्विसिज महंगियां हो जाणगियां। जेकर 15 नवंबर जां इस तों पहलां तुसीं रेल अते हवाई यात्रा लई टिकट लै रख्या तां इस ते तुहानूं ज़्यादा पैसे नहीं देने पैणगे, सगों पुराने टिकट ही वैलिड रहणगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फ्री मीडिया। संत समाज वालों पंजाब सरकार दे मंत्रियां दे घेराओ दे दित्ते गए सद्दे अते कोटकपूरा विखे पास कीते गए मतियां बारे मीटिंग करन लई जाण वाले आगुआं नूं पंजाब पुलिस वालों उन्हां दे घरां विच ही नज़रबंद कर दित्ता गया है। संत समाज दे मुख आगू बाबा रणजीत सिंह ढड्डियां वाले नूं पटियाला संगरूर रोड स्थित उन्हां दे गुरद्वारा श्री परमेश्वर द्वार विखे सेवा समय पहुंचे भारी पुलिस फोर्स वालों गुरुद्वारा साहिब अंदर ही नज़रबंद कर दिता गया। उधर फतेहगढ़ साहिब विखे श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के मुखी सिमरनजीत सिंह मान नूं भी उन्हां दे घर पुलिस वालों नज़रबंद कर दिता गया। सिमरनजीत सिंह मान ने घर बाहर भी भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। श्रोमणी कमेटी का तलक है, उस नूं तां कोई भी नहीं यह मनदा। सुप्रीम कोर्ट ने उस नूं मतल किया होया, जिहड़ी सिखां दी जमहूरीयत है वह सुप्रीम कोर्ट ते इंडिया ने खत्म करती है कि साडी पार्लीमेंट नूं ही करीब करीब भंग कर दिता हैगा। सो इत्थों अंदाज़ा ला सकदे हो कि नवें जथेदार साहब मंड साहब तां तख्त तों रवायती अपनी स्पीच दे सके है, पर जिहड़ा एस जी पी सी दा जथेदार है ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਮੱਕੜ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅਖਲਾਕ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਆਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਤੀਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਜ 15 ਤਰੀਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ 9 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਬਰਗਾੜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ 15 ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਜੀ ਹੈ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ 250 ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ
फिर जदों गर्म ख्याली कुछ सिख ने जिहड़े जिन्हां नूं गिरफ्तार किया गया जां घरों चुक लिया गया, जो अगली रणनीति होएगी वह फिर जदों सारे इकट्ठे होणगे बैठ के रणनीति अगली ऐलानी जाएगी। नहीं जिदा गेट पर लगाई गई है, जिदा बाहर नहीं निकलन दिता गया, 200-250 होएगा पुलिस वाला जिहड़ा परमेश्वर द्वार दे गुरद्वारा साहब के बाहर ला दिता गया इन्होंने। इसलिए 15 तरीक से जो अज सी आखिरी दिन से जिहड़े 9 मते पास किए गए सी, तो उस लई मीटिंग करन जाना सी महापुरखां ने। वैसे इत्थे जिहड़े होर भी आगू सी सिख पंथ दे, उन्होंने सारे आप अपने स्थानों पर ज किसी गिरफ्तार कर लेगा गर्म ख्याली सिखां। सरबत खालसा बारे सोशल मीडिया से वायरल हुई ऑडियो क्लिप से सियासत लगातार भखी हुई है। एतवार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक ताज़ा बयान जारी करके मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल समेत अकाली लीडरशिप को निशाना बनाया। कैप्टन ने कहा कि अकाली सरकार को सरबत खालसा च इकट्ठी हुई लोगों की वड्डी गिणती पिछे कारण पालने चाहिए सन, ना कि इस दे संबंध 10 जनपद मार्ग या मोती महल नाल जोड़ने चाहिए ने। पर मेरी गल सुनो, आ लाली ना गल कर लो, मैं लाइन ते लाइन लगा जो लाली मजीठा करा दो करा दो करा दो होल्ड रखो होल्ड रखो। हाँ जी गल ये आ भी 3 पीढ़ियां मेरिया रही हरिमंदर साहब दिया सरबरा। हाँ जी बाबा देस सिंह मजीठिया, बाबा लहणा सिंह मजीठिया, बाबा दयाल सिंह मजीठिया। मेरी 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 मनावा नी बेनती सुन लो जी। मैं उथे एस जी पी सी का जो कुछ चलन डे मैं बड़ी पिछले दिन स्टडी की थी, मैं मेरे हम दिमाग से गल आ गई आ। हाँ जी अज सानू दूसरी गुरुद्वारा सुधार लहर की लोड है, जिहड़ा झबर होना ने पहली की थी, अज सानू दूसरी सुधार लहर की लोड है जी। ठीक है जी बिलकुल। मेनू कहो 10 हजार 10 जिन्ना कहो के मैं सिंह लेके आने, मैं उसे 2 मिनट टाइम लेना जिस तरह बाकिया नू तुहां देना। मैं किथे आए कौन चले पंडाल च डड़िया बहुत जा डर गया संगत किन्नी कर गई है। ठीक है 2-3 हजार बंदा है, थोड़ा बढ़ा आ गया दसो ना। हाँ जी थोड़ा बढ़ा आ गया दसो ना लोगों को, ठीक है मैं लोगों को बढ़ा चढ़ा आ गया दसो ना। आने बढ़ा चढ़ा ही दसन दे मनावा साहब। हाँ जी आज गिल साहब गल करनी चाहिए तो ना तो ब्याह कट्ठे भाजी हरिमंदर गिल कराओ कोई। हेलो ਸਿਕੰਦਰ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬੋਲਦਾ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹਾ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਨੀ ਹਲੇ? ਹਾਂਜੀ 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 ਲੈਣਾ ਜੀ ਲੈਣਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਫੈਸਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚ ਮਸੰਦ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਇਓ, ਜੇ ਮਤਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਬੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਆਉਣੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਆਜੋ ਯਾਰ। ਇਸ ਟੇਪ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਾਵਤ, ਕੈਟ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬੈਗ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ।
जिन्ने माझे दे कांग्रेस दे एमएलए सारिया ने ते खास करके नाल दे फिरोजपुर दे सारे एमएलए दे नाल लोकां ने इत्थे गड्डियां भेजियां उहना मकसद इक्को इक सी कि अकाली दल नूं कमजोर करना शो करना कीता जाए। उधर जिवें ही एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया से वायरल होया तां कांग्रेस भी अपने बचा च उतराई। पंजाब कांग्रेस प्रधान प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि सरबत खालसे नाल कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं अते जिहड़े दो कांग्रेसी लीडर उत्थे गए सन वह एक सिख वजो इकट्ठ च शामिल होए सन अते मते पैण तो पहला वह वापस आ गए सन। कुछ लोग जिस किस्म के हालात पंजाब च बने ने उन्हां तो प्रभावित हो के एक दो साथी साढ़े जरूर उत्थे गए ने। उंज एक गल मैं यकीनन तौर पर तुहानूं दस देना चाहना कि उन्हां नूं मैं क्योंकि उन्हां नाल मेरी गल होई है किसी नूं भी यह खाबो ख्याल नहीं सी 4:30 बजे तक कि जिहड़े लोगों का कब्जा सूब स्टेज उत्ते वो किस किस्म के उत्ते मते लैके आणगे साडा कोई तुलख है नहीं। एक जरूर असी कहना चाहते कि साहब प्रकाश सिंह बादल नूं ते साहब सुखबीर सिंह बादल नूं मैं ये कहना चाहना कि पहले तुहानूं इह अपने आप च इंट्रोस्पैक्शन करनी पएगी। इन्हें ही नहीं लोकसभा च कांग्रेस के उपनेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अकाली वालों कांग्रेस के सरबत खालसा पिछे होने संबंधी लगाए जा रहे इल्जामों नूं उस सिरे तो खारिज करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की लगातार चुप्पी की भी आलोचना की अते कहा कि सूबे के अजिहे गंभीर हालातों का उप मुख्यमंत्री खुल के सामना करन। ब्यूरो रिपोर्ट फ्री मीडिया। उधर सरबत खालसा बुलाने वाली पार्टी के नेता लगातार पंथक ते सियासी लीडरां दीआं गिरफ्तारियां ते अपनी प्रतिक्रिया दे रहे ने ते सरकार वालों गिरफ्तार किए गए लीडरां खिलाफ द्वेश द्रोह दा मुकदमा दर्ज करन दी निखेधी भी। पार्टी लीडरां दा कहना है कि बादल सरकार वड्डी गिणती च लोकां वालों की गई शिरकत तो घबरा गई है ते इस दे लई सरकार अजिहे कदम चुक रही है। साडी पंथक सरकार नूं सरबत खालसा तों पता नहीं डर क्यों लगन लग पिया। वो अपनी कमजोरियां नूं छुपाउण लई साडे चुने हुए सरबत खालसा चुने हुए जथेदार अते पंथक आगुआं नूं देश द्रोही दे मुकदमे दर्ज करके सरकार दी बुखलाहट दी निशानी। धर्म दी आजादी ते इह सियासी हमला है जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। असीं इस नूं हाई कोर्ट विच लै के जावांगे और उत्थों इन्हां दे इक परचे खारज करावांगे। सरकार ने साडे ते बिल्कुल गलत परचे दर्ज किए ने जो कि सरासर झूठ है बेबुनियाद है। असी इस दी कड़े शब्दां नाल निखेधी करदे हां। ड्रग तस्करी मामले च कैबिनेट मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया तो पुछगिछ करन वाले ईडी दे सहायक डायरेक्टर निरंजन सिंह दी बदली ते फिलहाल केंद्र ने रोक लगा दित्ती है। सूत्रां मुताबिक हाई कोर्ट दे दबाव ते चलदियां ही एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने यह फैसला लिया है। असल निरंजन सिंह दी बदली कोलकाता दफ्तर विच कर दित्ती गई सी। निरंजन सिंह दी बदली उस वेले होई सी जदों ओह चर्चित ड्रग मामले च होए लैण देण विच बिक्रम मजीठिया नूं वी जांच विच शामिल होण लई सद चुके सन। इस बदली खिलाफ पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट विच एक पटीशन दाखिल कीती गई सी जिस ते सुनवाई अजे भी चल रही है। दस दईए कि मामले विच हुण तक 400 तों ज़्यादा नां सामने आए ने जबकि 230 दे करीब लोकां तों पुछगिछ कीती जा चुकी है। हाई कोर्ट वल्लों बदली ते रोक लगाउण तों बाद निरंजन सिंह जलंधर दफ्तर विच ही काम कर रहे सन। पंजाब सरकार वालों पंजाब पुलिस विच वड्डा रद्दोबदल किया गया है। सरकार वालों पंजाब दे हालातों नूं मद्देनजर रखते हुए यह वड्डा फेरबदल किया दस्या जा रहा है। इस रद्दोबदल तहत IPS अधिकारी स्वपन शर्मा नूं SSP बठिंडा अते इंदर मोहन सिंह पट्टी नूं SSP फाजिलका लाया गया है। सब तो रोचक तबादला डेप्यूटेशन ते गए IPS अधिकारी अनिल कुमार शर्मा नूं DGP इंटेलीजेंस ते SPU पंजाब लगा के किया गया है जो किसी वेले मुल्क दी सूही एजेंसी नाल भी काम कर चुके ने। जबकि ADGP ट्रेनिंग दिनकर गुप्ता नूं ADGP प्रशासन ते कम्युनिटी पॉलिसी, MK तिवाड़ी ADGP प्रशासन नूं ADGP HR पंजाब, रोहित चौधरी ADGP लॉ एंड ऑर्डर पंजाब नूं ADGP रेलवे लगा दिता गया है। इस दे नाल ही ADGP कम कमांडेंट जनरल होमगार्ड सरदार हरदीप सिंह ढिल्लों नूं अहम जिम्मेवारी सौंपदिया सूबे दा ADGP लॉ एंड ऑर्डर लगाया गया है जबकि उन्हां कोल कमांडेंट जनरल होमगार्ड ते डायरेक्टर सिविल डिफेंस दा वाधू चार्ज भी रहेगा। IG लिटिगेशन बलजिंदर कुमार नूं ADGP वेलफेयर ते लिटिगेशन दी जिम्मेवारी सौंप दित्ती गई है। अरुणपाल DIG जलंधर इन नूं पदोन्नत करके IGP ऑपरेशन तों आर्मर्ड बॉन्स जलंधर लाया गया है। ते
तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा ने कहा कि पंजाब के लोग अपन समस्यावान आप हल करना जानते हैं। मौजूदा हालात बारे जो उन्होंने तो पूछा गया तो उन्होंने यह जवाब दिता। नाल ही दलाई लामा ने कहा कि बिहार दोणा च बहु गिनती ने सहनशीलता का प्रगटावा किया है। दलाई लामा जलंधर स्थित एक यूनिवर्सिटी बीते दिन पुजे हुए सन। I think Bihar, if may I say so, Bihar election, I think shows the majority of Hindu people still believe harmony. I think, in my view, politics is something, or say a certain technique to serve effectively through organized way, to serve concerned people, not create a problem. And the religion also, basically all major religion carry a message of love, tolerance, forgiveness. So that's the sort of what's the method to bring harmony. But some individual, this is religion use, खबर जलंधर तो है जिथे दिन दिहाड़े लुटेरिया ने यूको बैंक नू निशाना बनांदे बड़ी ही आसानी नाल एटीएम च 12 लाख तो वादी रकम लुट ली। जिस वेले लुटेरिया ने घटना नू अंजाम दिता उस वेले एटीएम तो कोई भी सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं सी। फिलहाल पुलिस मुलजमा दी भाल च लगी हुई है। शहर अंदर थोड़े दिन तो ही एटीएम लुट दियां घटनावां च काफी वाधा होया है। 15 नवंबर 1920 नूं सिखां दी सिरमौर संस्था SGPC दा गठन कीता गया सी। उस दिन तो लैके अज तक हरेक साल SGPC अपना स्थापना दिहाड़ा मनाउंदी आ रही है। ऐतवार संस्था ने अपना 95वां स्थापना दिहाड़ा मनाया। इस दे चलदिआं गुरद्वारा मंजी साहिब च श्री अखंड पाठ साहिब दा भोग पाए गए ते दरबार साहिब दे मुख ग्रंथी ज्ञानी बलविंदर सिंह ने इस मौके अरदास कीती। फ्रांस दी राजधानी पैरिस विच होए भयानक अतवादी हमले तो बाद अज तुर्की विच वी धमाकियां की गूंज सुनाई दिती। तुर्की विच एक ISIS आतंकवादी हमलावर ने खुद नूं उड़ा लिया जिस च 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इत्थे जिक्र योग है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी इस समय तुर्की विच मौजूद हैं अते तुर्की के अंतालिया विच G20 मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग विच हिस्सा लैण लई नरेंद्र मोदी समेत रूस के राष्ट्रपति वलादिमीर पुटिन अते अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अते होर चोटी के नेता मौजूद ने। अजिहे विच इन्हां नेतावां की सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा बन हुई है। उधर प्रधानमंत्री की सुरक्षा लई खास टीम का गठन किया गया है जिस च इजराइल की खुफिया एजेंसी मुजाद ते MI5 ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस दे एजेंट शामिल ने। शनिवार रात नूं बिहार के कटियार मालदा पैसेंजर ट्रेन च 14 जिंदा बंब मिले। शक जताया जा रहा है कि इन्हां बंबां नूं धमाका करन लई किते ले जाया जा रहा सी या फिर धमाका करन लई ट्रेन च रखा गया सी। बंब मिलन तो बाद पुलिस ने सारी ही ट्रेनां नूं खाली कर लिया जिस नाल सारे ही मुसाफिर डर नाल सहमे हुए ने। जिस तो बाद बंब नकारा दस्ते ने बंब नूं अपने कब्जे च लै लिया। पर फिलहाल देश दी सुरक्षा एजेंसियां सवालां दे घेरे विच ने। फ्रांस दे पैरिस च होए अतवादी हमलों दा दुनिया भर च विरोध हो रहा है। अतवादियों ने 6 वखो वख थावां नूं निशाना बनाया। 160 तो वध लोकां नूं मौत दे घाट उतार दिता जिस तो बाद अतवादियों नाल संबंधित टिकाणियां ते लगातार छापेमारी की जा रही है। फ्रांस की राजधानी पैरिस च होए हमले च हुण तक करीब 160 तो ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। 350 तो ज़्यादा उपर लोग जख्मी हुए ने। इन्हां च तकरीबन 100 तो ज़्यादा लोगों की हालत हाले भी गंभीर बनी हुई है। इस हमले की गुत्थी सुलझाउण च लगी स्थानक पुलिस ने एक फ्रेंच अतवादी के भरा ते पिता नूं हिरासत च लिया। 29 साल के एक फ्रेंच नागरिक की लाश की शनाखत बटाकला संगीत हाल च हुई है जिथे 3 अतवादियों ने शरेआम गोलियां चलाईया सन जिस 99 लोगों की मौत हो गई सी। मारे गए अतवादी के पिता ते भरा कोल पुलिस जांच कर रही है। इस हमले च शामिल लोगों नूं फड़न लई दुनिया के सारे देश चौकन्ने हो गए ने जिस कारण हमलों च बेलजियम के ब्रसल्स तो भी 3 लोगों नूं गिरफ़्तार किया गया है। फड़े गए शक्कियां विचों एक फ्रांस का नागरिक भी है। इस हमले च कुछ खुशकिस्मत लोग भी सन जो अतवादियों निशाना बन तो बच गए। एक व्यक्ति जिसकी मोबाइल ने जान बचा ली। शुक्रवार शाम को जो अतवादी स्टार्ट से फ्रांस में कतलेआम मचा रहे सन तो एक गोली इस व्यक्ति के मोबाइल उत्ते जा लगी।
ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਘਨੌਰੇ ਕਾਰੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਓਪੇਰਾ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨੀਲਾ, ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਮਾਈਕ ਵੇਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਓਪੇਰਾ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ ਜੋੜ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਫ੍ਰੀ ਮੀਡੀਆ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਕੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ NRI ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਾਨੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਥਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 73 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਜੋਗੀਵਾਰਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। 1942 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ $3,00,000 ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੋਗਸ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ₹1.5 crore ਦਾ ਇਹ ਕਪਲਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਵੈਲਿਊ ਵਰਲਡ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਸਿਡਨੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੋਗਸ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਪਾਵਰਲਿਫਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 12 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਲਾਸ ਵੈਗਸ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਜਤ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਬ ਜੂਨੀਅਰ 67.5 kg ਭਾਰ ਵਰਗ 'ਚ ਕੁੱਲ 510 kg ਭਾਰ ਉਠਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ 'ਤੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਤ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ।